कृष्णा, आज हम बनाएंगे सिंधी का फेमस दाल पकवान। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे सिंधी के फेमस दाल पकवान। तो दाल पकवान की रेसिपी हम शुरू करते हैं। हमने चाट के तरीके से भी दाल पकवान बनाया है और जनरली दाल पकवान जिसे करते हैं वैसे भी बनाया है। तो इसके अंदर मैंने दाल पकवान के अंदर मैदा ही होता है, मगर मैंने गेहूं का लोट और मैदा साथ में लिया है। एक कप मैदा, एक कप गेहूं का लोट और थोड़ी 2-3 टेबलस्पून सूजी ऐड की है, उससे हमारी एकदम खस्ता होता है इसके लिए। और उसके अंदर मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। अजवाइन और जीरा को मैंने इस तरह से हाथ से क्रश करके ऐड कर दिया है, उससे उसका टेस्ट अच्छा आता है इसके लिए। अच्छी तरह से क्रश करके ऐड कर दिया है दोनों चीज़ों को। अब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे उसके अंदर। और मौन के लिए ऑयल ऐड कर देंगे। हमको मौन थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि हमको एकदम फर्सी और खस्ता बनाना है इसके लिए। और अब हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमको आटा में अच्छी तरह से मोन लगा देना है। और आप देख सकते हो इस तरह से हमारा आटा बन जाए। फिर हमको उसके अंदर पानी ऐड करके अच्छी तरह से डो बना लेना है उसमें से। आप देख सकते हो मैंने आटा गूंद लिया है। इस तरह का हमारा आटा होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट भी नहीं और एकदम टाइट भी नहीं। और उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, 15-20 मिनट तक सेट होने के लिए। और मैंने इस तरह की 2 घंटे पहले चने की दाल भिगो कर रख दी थी। तो प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर चने की दाल ऐड कर देंगे हम और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे थोड़ा। हल्दी ऐड करेंगे थोड़ा। और थोड़ा ऑयल ऐड कर देंगे। और प्रेशर कुकर बंद करके हम उसकी सीटी लगा देंगे 8 से 9। दाल हमारी एकदम गल नहीं जानी चाहिए, दाना रहना चाहिए, इस तरह के हमको उसको पकाना है। और तब तक हम पकवान बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने आटा सेट कर लिया था, तो अब इस तरह से हम गुंडला बनाकर पकवान बना लेंगे। तो मैंने इस तरह से पकवान बनाने के लिए पूरी बेल ली है। पकवान हमारा बड़ा होता है, छोटा छोटा नहीं होता है। हमारे एक साइज की सब पकवान हो इसके लिए मैंने इस तरह से
कट लगा दिया है कि हमारा सेम साइज का पकवान हो इसके लिए। और फूल ना जाए इसके लिए मैं फोक से इस तरह से डॉट लग कर दूंगी। इस तरह से मैंने सब पकवान बना लिया है। ऑयल गरम हो गया है तो इसके अंदर हम पकवान डालेंगे। हमारी गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, एकदम फुल नहीं होनी चाहिए, एकदम मीडियम फ्लेम पर हम उसको धीरे धीरे पकने देंगे। एकदम पकेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ये एकदम हमको क्रिस्पी चाहिए इसके लिए। तो मेरा पकवान बनकर तैयार हो गया है, मस्त एकदम गोल्डन ब्राउन। तो उसको निकाल लिया है और दूसरा हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो मेरा दूसरा पकवान भी बनकर तैयार हो गया है। इस तरह के गोल्डन ब्राउन पकवान हम सब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सब पकवान बना लिया है और हमारी दाल भी अच्छी तरह से पक गई है। तो आप देख सकते हो इस तरह की हमारी दाल होनी चाहिए, एकदम क्रश भी नहीं होनी जानी चाहिए। तो अब हम उसका भी तड़का लगा देंगे। मैं बड़ी वाली 2 टेबलस्पून घी ले लिया है। इसके अंदर घी का ही तड़का मस्त लगता है, इसके लिए मैंने घी लिया है। और उसके अंदर मैंने हींग ऐड कर दिए और जीरा ऐड कर दिया है तड़के में। और इसके अंदर मिर्च को ही ऐड कर दिया है मैंने और फिर टमाटो को भी छोटे छोटे पीसों में काट के रखा था वो भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। हमको इसमें टमाटर जितना ही नमक ऐड करना था क्योंकि हमके दाल में नमक ऐड कर दिया था इसके लिए। तो उसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे पहले। तो आप देख सकते हो हमारा अच्छी तरह से पक गया है टमाटर। लाल मिर्च पाउडर डाला है, अब बेसिक मसाले ऐड करेंगे। धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। अच्छी तरह से हमारे मसाले भी पक गए हैं। तो अब हम ये दाल इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये दाल हमारी थोड़ी घट होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए।
और उसके अंदर स्वाद अनुसार लेमन ऐड करेंगे, क्योंकि ये दाल हमारी खट्टी मीठी तीखी होनी चाहिए, तो ही मज़ा आएगा ना दाल पकवान में। अच्छी तरह से हम एक रस कर लेंगे। थोड़ी देर अच्छी तरह से पक जाएगी तो एक रस हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारी दाल पक गई है, तो उसके अंदर मैंने गरम मसाला भी थोड़ा ऐड कर दिया है। अब और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो हमारी दाल भी मस्त तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो पहले हम चाट की तरीके से उसको सर्व करेंगे। अभी इतना छोटे छोटे पीसों में उसको कट कर लेंगे पकवान को पहले। इस तरह से छोटे पीसों में काटने के बाद उसके ऊपर हमने जो दाल बनाई थी वो ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे। खजूर इमली की चटनी ऐड करेंगे। मसाला सिंग ऐड कर देंगे उसके ऊपर। और ऊपर से चीनी सेव ऐड कर देंगे। ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। तो हमारी वो चाट तैयार हो गई है। और अब हम सिंपल तरीके से सर्विंग कर लेंगे। पकवान ऐड कर दिया है। और दाल ऐड कर दिए। ऊपर से ग्रीन चटनी, मीठी वाली खट्टी मीठी चटनी इमली की। और ऊपर से सेव ऐड कर दिया है। और हरा धनिया से गार्निश कर लिया है। तो अब हमारा हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो सबका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमारा दोनों तरीके से पकवान की डिश तैयार हो गई है। दाल पकवान खाने के लिए रेडी है। तो हमारा सिंधी स्टाइल दाल पकवान कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
चलिए फ्रेंड, मैंने दाल पकवान की रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है, तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। बाय बाय।